नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका यूपी के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान आज दूसरे दिन सीएम ने सुबह मंदिर भ्रमण के बाद विभिन्न जिलों से आए हुए सैकड़ों फरियादियों की एक एक कर बात सुनी और उनके मामले को जल्द से जल्द हल के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ पीठ में बड़ा आयोजन हो रहा है। यहाँ नाथ संप्रदाय से जुड़े करीब 5,000 लोग पहुंचे हैं। पीठाधीश्वर और सीएम योगी अपने शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। सीएम योगी ने सुबह गोरखपीठ में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद गौशाला में गायों और गोवंश को गुड़ खिलाया। सीएम ने गायों को पुचकारा और दुलार भी किया। पीलीभीत में आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अजीत पवार और छगन भुजबल के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े भ्रष्टाचार के पोषक हैं। प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है, क्योंकि दो दिन पहले भोपाल में उन्होंने गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचार पर वो कार्रवाई की गारंटी देते हैं, लेकिन सिंचाई घोटाले में शामिल अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में अपने साथ मिलाकर डिप्टी सीएम बना दिया, तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए छगन भुजबल को भी मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब कुछ करके बड़े से बड़ा अपराध करके बीजेपी में शामिल होने पर सब गुनाह धुल जाते हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर कार्यकर्ता सम्मेलन में पीलीभीत आए थे। इस दौरान उन्होंने एक निजी बारात घर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखिए, ऐसा है कि जो पटना की मीटिंग हुई और उसके बाद जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, दो घंटा स्पीच दे रहे थे वहाँ भोपाल में, तो सारी पार्टियों को गाली दे रहे थे, इसको फायदा पहुँचाना है तो उसको वोट दो, उसको फायदा पहुँचाना है तो उसको वोट दो। मैं तो मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, भैया अडानी को फायदा पहुँचाना है तो किसको वोट दो। हरिद्वार से शुरू होकर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर इस समय कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली या उसके आसपास के साथ साथ दूर दराज के इलाके में गंगा जल लेकर जाने वाले कांवड़िया हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके बाद नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की धूम देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय भी एक से एक अनोखा कांवड़िया गंगा जल लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ 151 किलो गंगा जल लेकर कलयुग का रावण मुजफ्फरनगर पहुंचा है। जहाँ 151 किलो जल लेकर जाने वाले इस रावण ने शिव चौक स्थित शिवलिंग की परिक्रमा कर अपने मंजिल की ओर बढ़ना शुरू किया। जानकारी के अनुसार अजय उर्फ रावण ने उत्तराखंड में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 151 किलो गंगा जल के साथ कुल 185 किलो वजन की कांवड़ के साथ अजय उर्फ रावण रोजाना 6 से 7 किलोमीटर चल रहा है। अजय उर्फ रावण का लक्ष्य है कि वो 14 जुलाई तक पूरा महादेव पहुंचेगा और वहां सिद्धिपीठ में शिवलिंग पर जलाभिषेक करेगा। हरिद्वार हर की पैड़ी से जल उठाया था, ये पूरे महादेव जाएगा, 190 किलोमीटर की दूरी तय करके चले। 24 तारीख रात 8 बजे 8:40 पर जल उठाएगा। 151 लोगों की टीम हमारी, हम चार लोग हैं। चार क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? उद्देश्य है कि आज ही जल चलता रहना चाहिए, धार्मिक परिवर्तन है, और क्या चाहिए। वहीं हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने आबकारी राज्य मंत्री के नाम पर फर्जी लेटर पैड आईडी बना लिए, साथ ही मंत्री के नाम पर कई विभागों में स्थानांतरण के नाम पर धन उगाही की। अस्पताल में तैनात संविदा कर्मी भूरा और बलवीर सिंह ने साथी के साथ जालसाजी की, जिसको लेकर बेहटा गोकुल निवासी अनुराग द्विवेदी ने हरपालपुर में FIR दर्ज कराई। मंत्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, जिसके बाद हरपालपुर पुलिस ने एक आरोपी बलवीर को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई के प्राथमिक विद्यालय में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। स्कूल खुलने के पहले दिन स्कूल के क्लास में नाग बैठा मिला। स्कूल कक्ष में मेज के पास कुंडली मारकर नाग बैठा हुआ था। स्कूल में नाग देखकर अध्यापकों में हड़कंप मच गया। मामला पिहानी कोतवाल क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल सिरसा का है।
वहीं फिरोजाबाद के थाना नंगला खांगर क्षेत्र के 68 किलोमीटर पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही एक बुलेरो एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। बुलेरो कार में थाना कबरई की मोहबा पुलिस सवार थी, जो दिल्ली से कुछ लोग जिनके ऊपर कुछ मामले दर्ज हैं को बरामद कर थाना कबरई मोहबा लेकर लौट रही थी। बुलेरो गाड़ी में कुल 8 लोग सवार थे। सूचना के बाद घटनास्थल पर थाना पुलिस और डायल 112 द्वारा तत्काल पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए सैफई अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अवगत कराना है कि आज तकरीबन सुबह 5 बजे कंट्रोल रूम के द्वारा सूचित किया गया कि थाना नगला खंगर क्षेत्र के अंतर्गत 68 किलोमीटर पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बोलेरो और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है। बोलेरो से थाना कबरई पुलिस अपहरिता को बरामद करके वापस कबरई महोबा ले जा रही थी। 8 लोग घायल हुए हैं, घायलों को उपचार हेतु सैफई अस्पताल भिजवा दिया गया है। SHO नगला खंगर सैफई अस्पताल पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं सीतापुर में पुलिस चौकी के अंदर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के कटीली चौक में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर चौकी इंचार्ज पर महिला ने चौकी के अंदर ही अभद्रता करने का आरोप लगाया है। महिला रामकोट क्षेत्र की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष है। पीड़िता का आरोप है कि चौकी इंचार्ज कटीली उनके 2 परिचित व्यक्तियों को कई दिनों से चौकी बुला रहे थे और उनसे रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब पीड़िता उनके पक्ष में चौकी कटीली पहुंची, तो चौकी इंचार्ज को अपना परिचय देते हुए उक्त व्यक्तियों का पक्ष रखा, जिसे सुनते ही चौकी इंचार्ज आग बबूला हो गई। इसके बाद चौकी इंचार्ज द्वारा उनसे अभद्रता की गई। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज ने उनकी कुर्सी पर लात मारते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी और हाथ पकड़कर घसीटते हुए चौकी से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय गई थी, लेकिन SP साहब के कार्यालय में न होने के चलते आज मुलाकात नहीं हो सकी। बहुत जल्द ही मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर उक्त चौकी इंचार्ज की शिकायत करूंगी। जो आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय कटीली चौकी इंचार्ज अजय सिंह, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक सिपाह हासपुर का मैटर था, एक ऐसे छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उनको बेचारों को 5-6 दिन से दौड़ा रहे थे वो, तो फिर वो मेरे पास आए, सब लोग कहने लगे कि थोड़ा चली चलिए आप, तो कह दीजिए उनसे। जब हम गए इनसे कहने लगे, हमने कहा भैया ये 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं और छोटा सा मैटर है, आप इतना दौड़ा रहे हैं, ये रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, ये रोज़ यहाँ पर आएंगे तो इनके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, कैसे होगा। फिर ये बस बोले, तो फिर मैं किसी के बाप का नौकर हूँ या किसी का गुलाम नहीं हूँ, ये है वो है, क्या मेरे पे एहसान जता रहे हैं। बस इन्होंने उल्टी सीधी, हमारे हस्बैंड भी चले गए, उनसे भी कहने लगे कि जाइए चलिए जाइए यहाँ से, किसने बुलाया आपको, क्यों यहाँ पे आए हैं, उनको भी धक्का दे के निकाल दिया चौकी के बाहर, और हमको भी बहुत उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, बहुत उल्टा सीधा बोला, हम फोन पर मैक पर नहीं बता सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, इतनी अभद्रता भरी भाषा इन्होंने ली। धक्का मची हुई है? हाँ, धक्का मची हुई थी, इन्होंने धक्का भी दिया था, बोले चलिए भाग जाइए, फिर यहाँ चौकी से इन्होंने निकाल दिया और लात भी मारी कुर्सी में, हम बैठने जा रहे थे तो कुर्सी भी गिर गई, फिर हम वहाँ से निकले आए, बाहर भगा दिए थे, फिर हम दोबारा गए नहीं। आपका नाम? अर्चना सिंह। क्या है आप? मंडल अध्यक्ष रामकोट महिला मोर्चा भाजपा। आप कहाँ कहाँ आई? कप्तान के पास आए थे, कप्तान साहब मिले। वहीं एटा के थाना कोतवाली देहात के गांव लालपुर में हीरालाल के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में परिवार सहित जन्मदिन की पार्टी में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई, जिससे 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के दौरान परिवार के लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर सभी लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत होने के कारण 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, अन्य 2 लोगों का उपचार जारी है। वहीं फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब 30 जून से लापता एक दलित किशोर का शव खंडर में रेलवे क्वार्टर के पास पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कहाँ रहते हो आप? लालपुर। कौन सा थाना लगता है? थाना देहात कोतवाली। कैसे चले हो आप लोग? ये
सिलेंडर लिख क्या कर रहे थे सर घर पे क्या? अरे वो सिलेंडर हमारा घर तो पड़ोस में था, वो लीक हो गया, कुछ कर नहीं गया, जब तक पहुंच पाए वहाँ पे आग लगी। तो किसी और के घर में आग लगी थी? हाँ बड़ा पड़ोस में ही ताऊ का घर है। अच्छा ताऊ घर है, कितने लोग जले हैं? पाँच लोग जले हैं। तो कोई फंक्शन अंक्शन था या वैसे ही घर पर? बर्थडे था, बर्थडे था। आपको बताइएगा जन्मदिन का। वहीं फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब 30 जून से लापता एक दलित किशोर का शव खंडर में रेलवे क्वार्टर के पास पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे हत्या मानकर चल रही है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल 30 जून से रेलवे कंपनी बाग निवासी श्याम बाबू के 14 साल का बेटा सूरज लापता हो गया था। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने थाना टुंडला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की थी। वहीं परिजन भी इस बच्चे की तलाश में जुटे थे। परिजन बच्चे को ढूंढते हुए खंडर में गए जहाँ पे शव से आ रही बदबू को महसूस किया। अंदर जाकर देखा तो शव पड़ा मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। वहीं शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि किशोर की हत्या की गई है, क्योंकि किशोर का चेहरा खराब था जिससे किशोर की ठीक से पहचान न हो सके। लेकिन कपड़ों को देख परिजन का अनुमान है कि शव सूरज का हो सकता है। फिरोजाबाद पर मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड टीम ने मौके से कुछ सैंपल लिए हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेलवे क्वार्टरों में एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए टुंडला रेलवे क्वार्टर का एक खंडहर है जिसमें कोई रहता नहीं है, पूरी तरह से वो अलग थलग है। उसमें एक बच्चे का शव मिला है। शव की जो स्थिति थी उससे अभी पूरी तरह से उसकी पहचान नहीं हो पाई है। एक मिसिंग 30 तारीख को हमारे यहाँ से हुई थी, एक श्याम बाबू है उनका बच्चा, करीब 4 बजे खेलने के लिए गया था फिर वापस नहीं आया था। हम लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।